खबर पहुंचाए आप तक। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव के धरनगांव में घर में चल रहा था नकली दारू का कारखाना और जलगांव की आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर पिछले 2-2.5 साल से चल रहे इस नकली दारू की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। साथ ही लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी संख्या 8 भी हो गई है। और बताया जा रहा है कि यह सिर्फ जलगांव ही नहीं बल्कि राज्य से बाहर के लोग भी नकली दारू की फैक्ट्री के काम में शामिल हैं और अब सबकी धरपकड़ का काम शुरू हो गया है। बताया जाता है कि यह नकली दारू जलगांव, दुलिया, नंदुरबार समेत कई जगहों पर बड़े लोगों के साथ सांठगांठ कर बेची जा रही थी। जलगांव शहर में भी कई शराब की दुकानें हैं और लोगों का कहना है कि कई दुकानों पर नकली शराब मिला ही करती है, जिसकी जांच भी आबकारी विभाग को करनी चाहिए। साथ ही साथ शराब ज्यादा कीमत पर मिलती है और धड़ल्ले से नियम तोड़े जाते हैं, क्योंकि जहां शराब मिलती है वहीं दुकान के बाहर लोग खड़े होकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। आसपास छोटी छोटी खाने पीने की गाड़ियां लगी होती है, जिसकी आड़ में शराबी दुकान के बाहर ही बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं और यह सब कुछ बगैर कानून के रखवाले के जानकारी के होना क्या संभव है। जलगांव में कई दुकानें ऐसी भी है जहां आसपास परिवार वाले लोग रहते हैं और कई बार शराबी उनके साथ छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन शराब पिए हुए व्यक्तियों से उलझेगा कौन, यह सोचकर परिवार वाले शायद चुप रह जाते हैं। अगर पुलिस को या फिर आबकारी विभाग को जानकारी नहीं है तो फिर इन दोनों विभागों को एक साथ मिलकर कुछ करना चाहिए ताकि गलत करने वाले लोगों को सबक मिल सके। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।